हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के सेक्टर 5 पंचकुला के एक पार्क में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर तो यहाँ कुछ कैंडिडेट मिल गए थे, तो चलिए आइए कैंडिडेट से बात करते हैं। ये अपने जई मल्टीक्स टेक्नो चैनल को भी देखते हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? गुरजीत सिंह इनका नाम गुरजीत सिंह है। कहाँ से हो आप? एक कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो आप यहाँ किस काम से आए थे? किस काम से आए थे आप? हाँ, बायोमेट्रिक थी आज मेरी। अच्छा, तो कैसी हुई बायोमेट्रिक आपकी? हाँ, काफ़ी अच्छी रही। 5 मिनट का काम है यहाँ आने के बाद। तो हाँ जी, प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। अच्छा, वो जो पहले HSC की हुई थी, उस प्रोसेस से कितनी आसान है ये? जो वहाँ DV के टाइम में हुई थी, उससे जल्दी हो रही है क्या? हाँ, यहाँ लाइन पे लगना पड़ता, आने के बाद जल्दी बायोमेट्रिक हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो लाइन पे लगना पड़ता था ना। तो अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 4,000 ALM की वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि टाइम निकल गया तो फिर पछतावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये भर्ती में आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ सीटर या सेटिंग से हुई है या फिर भर्ती हुई है आपकी, या पैसे देकर हुई, कुछ बताएंगे आप? वो तो सभी बच्चों को पता है, कट ऑफ का देखते हैं कि कट ऑफ 56 ही रही है, इतनी ज़्यादा नहीं रही, तो भर्ती तो काफ़ी फेयर रही है। हाँ जी, तो कैंडिडेट्स कह रहे हैं दोस्तों भर्ती फेर हुई है, आपको भी पता है, और यहाँ आए हुए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर से कहना चाहूँगा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो CET की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों, दूसरों के बहकावे में ना आए, अपना भविष्य ख़राब ना करें। तो चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मिस्टर सिंह पंचकुला आज आया हुआ था, पंचकुला से लाइव हूँ। ये इसके पास का पार्क है, आप भी यहाँ आकर ये लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम भाई।